रेड बटन दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाएं आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस के लिए। हाय एवरीवन, मैं शांति स्वागत करती हूं आप सभी का मेरे कुकिंग चैनल कुक विद एसएस में। आज मैं आपके साथ नवरात्रि के व्रत में खाई जाने वाली आलू और मूंगफली की सब्जी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, तो चलिए फिर इसे शुरू करते हैं। सबसे पहले कढ़ाई में हम तेल डालकर गरम कर लेंगे। तेल गरम हो जाने पर इसमें डालेंगे हम कच्ची मूंगफलियां और इन्हें फ्राई कर लेंगे ताकि ये कुरकुरी हो जाए, और जब इनका इस तरह से कलर आ जाए ब्राउन सा तो हम इन्हें निकाल लेंगे यहाँ से। तेल थोड़ा ज़्यादा है तो मैं आगे की सब्जी बनाने के लिए इसमें तेल थोड़ा अभी कम कर लूँगी। तो तेल मैंने कम कर लिया है और ये गरम तेल है तो इसमें हम डाल लेंगे अब एक चम्मच जीरा और जीरा को चटकने देंगे। जीरा चटक जाने के बाद हम इसमें डालेंगे किसा हुआ अदरक, थोड़े से कड़ी पत्ता और इन्हें चलाकर थोड़ी देर फ्राई कर लेंगे। तो ये अच्छे से फ्राई हो गया है, अब इसमें डालेंगे हम बारीक कटा हुआ टमाटर। कई लोग नवरात्रि के व्रत में टमाटर नहीं खाते हैं तो वो लोग स्किप कर सकते हैं और जो लोग खाते हैं वो डाल सकते हैं। तो अब इसमें मैंने डाला है व्रत का नमक यानी सेंधा नमक, इससे टमाटर थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे और इसे मिक्स कर लेंगे और टमाटर को सॉफ्ट होने तक पका लेंगे। टमाटर हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं तो अब इसमें डालेंगे हम बारीक कटी हुई हरी मिर्च और उबले हुए आलू। मैंने यहाँ पर 3 बड़े आलू का यूज़ किया है, इसे हम हल्का मिक्स कर लेंगे और इसमें हम जो हमने मूंगफलियाँ फ्राई की हैं वो भी डाल लेंगे और सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। अभी मैंने यहाँ पर थोड़ी सी कुटी हुई काली मिर्च भी डाली है, फ्रेश काली मिर्च यूज़ करें उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो ये यहाँ पर मिक्स हो चुका है, इसे 1 मिनट के लिए हम ऐसे ही पका लेंगे। तो 1 मिनट हो चुका है, हमारी सब्जी भी बिल्कुल तैयार है। बस अब इसके ऊपर से हम थोड़ा सा नींबू का रस डाल लेंगे और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। सब कुछ अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हमारी आलू मूंगफली की सब्जी बिल्कुल तैयार है। तो कैसी लगी आपको ये रेसिपी मुझे ज़रूर बताएं, और अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलती हूँ आपसे अगली रेसिपी में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।